हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अंकिता एंड आप मुझे देख रहे हैं अंकॉली स्टाइल्स में। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा आपको लाइक कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, जैसे कि मैं अक्सर अपने प्रोडक्ट्स में कहती हूँ, कोई भी लाइक स्किन केयर का प्रोडक्ट है या कुछ भी है, देन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर से पैच टेस्ट करें। तो वो कौन कौन से आपके लाइक बॉडी के एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, तो आज हम उसी वीडियो के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पैच टेस्ट के लिए ना बेसिकली तीन एरियाज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो ये आपका लाइक जॉ लाइन वाला जो एरिया है, आप इस यहाँ पे लाइक पैच टेस्ट कर सकते हैं, ये अपने नेक एरिया पे एंड हल्का सा जॉ लाइन पे, सो दैट अगर आपको लाइक फेस पे कुछ भी अप्लाई करना है तो वो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। एंड उसको ना आप लाइक पूरे दिन के लिए उसको ट्राई करें, ठीक है। कोई क्रीम है तो डेफिनेटली उसको लाइक यूज़ करके देखें कि वो आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है या नहीं, या यहाँ पर कोई इरीटेशन तो नहीं हो रही है आपको, रेडनेस तो नहीं हो रही है, इचीनेस तो नहीं हो रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्रीम आपके लिए है या नहीं। सेकेंड एरिया मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा है। आप अपने बिल्कुल लाइक कान के पीछे ये वाला जो एरिया होता है ना, नेक के बिल्कुल पीछे ये वाला एरिया, आप यहाँ पे पैच टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना है या नहीं, एंड आपको पहले ही जो है नॉलेज हो जाएगी एंड आप बच जाएंगे। अगर लाइक कोई प्रोडक्ट आपको कोई नुकसान पहुँचाने वाला है तो आपको पता लग जाएगा और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, तो वो प्रोडक्ट आप किसी और को दे दें। देखिए, इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो प्रोडक्ट मेरे ऊपर सूट हो रहा है वो प्रोडक्ट आपके ऊपर भी सूट हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट का यूज़ आपके लिए भी उतना ही अच्छा हो, ऐसा नहीं है। इट वेरीज़, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, स्किन टू स्किन वेरी करता है। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बट आपके ऊपर अच्छा वर्क ना करे, लाइक दैट। तो अगर कोई प्रोडक्ट इन केस आपने परचेज कर लिया एंड वो आपके लाइक आपके लिए नहीं बना है, आपने पैच टेस्ट किया और आपको लगा कि यार नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस प्रोडक्ट को अपने लाइक अपनी फ्रेंड को दे दो, ठीक है, अपनी सिस्टर को दे दो या किसी और को दे दो, मे बी उनके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मनी है वो वेस्ट भी नहीं होगा, प्रोडक्ट भी यूज़ हो जाएगा एंड ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोडक्ट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अब जो तीसरा एरिया है जहाँ पे आप लाइक पैच टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको हैंड हाथ वाला बता रही हूँ। तो ये वाला जो पार्ट होता है हाथ का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे है बहुत एकदम पतली स्किन होती है, तो आप यहाँ पे जो है पैच टेस्ट कर सकते हैं इस एरिया पे। एंड इस यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपको लाइक कोई भी इचीनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, या छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं कुछ घंटों के अंदर ही, तो आपको पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इन तीनों में से जो बेस्ट एरिया है, इन तीनों में से जो बेस्ट एरिया है, मैं नंबर 1, 2, 3 करके बताऊँगी। सो नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताया है वो ही मेरा नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, दैट इज़ ये वाला। अगर आप यहाँ पे लाइक पैच टेस्ट करते हैं अपना नेक एंड जॉ लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लगाते हैं एंड उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लाइक 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, ना आपको लाइक पता लग जाएगा 6 से 7 घंटे में आराम से कि वो प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। और अगर लाइक कोई फेस पैक है तो फेस पैक का अपना एक टाइम होता है लाइक 15 से 20 मिनट का, ठीक है, तो उसको इतना ही देर रखेंगे। अब ये तो है नहीं कि आप फेस पैक जो है कि आप 6 से 7 घंटे लगा के रखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो फेस पैक को 15 मिनट रखें, ठीक है। इसी तरीके से कोई मॉइस्चराइज़र है तो उसको तो आप लगा के छोड़ सकते हैं। मॉइस्चराइज़र तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको ईचीनेस तो होने नहीं वाली है, मतलब अगर आप पूरा दिन भी उसको लाइक पैच टेस्ट अगर उसका आप टेस्ट करोगे तो ईजिली आप कर पाओगे, नो डाउट, ठीक है। और क्या रह गया, देखिए कोई टोनर वगैरह है तो वो भी आपको लाइक प्रॉब्लम नहीं है अगर काफ़ी देर तक लग रहा है, ठीक है, तो टोनर्स वगैरह तो लग ही रहते हैं ऑलमोस्ट पूरे पूरे दिन, आप उनको लगा के देखिए, पूरा दिन देखिए कि आपको लाइक वो सूट कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो जो फर्स्ट नंबर पे जो एरिया मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी वो है ये वाला एरिया, नेक और जॉ लाइन का ये वाला एरिया है, यहाँ पर आप पैच टेस्ट करें, ठीक है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक ये कि नहीं ये तो भाई फ्रंट में आ गया है, कुछ अगर गड़बड़ हो गई, कुछ अगर प्रोडक्ट जो है रिएक्शन कर गया या इचीनेस हो गई, रेडनेस हो गई, तो सेकंड नंबर वाला जो मेथड है आप अपने कान के पीछे यहाँ पे कर ले, ये वाला एरिया तो इतना नज़र भी नहीं आता है और बालों के पीछे आराम से छुप जाता है, एंड इवन यहाँ तो कान भी जो है, ईयर जो है इसको कवर कर लेता है इस एरिया को, तो आप इस एरिया, ये सेफर एरिया है बेसिकली, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पैच टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है वो मैं आप लोगों को एक ऑल्टरनेट है,
जिसको लाइक यहाँ भी नहीं करना है यहाँ भी नहीं करना है तो वो यहाँ पे पैच टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर आप लाइक कोई फेस का प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको जनरली यही कहूँगी कि आप या तो यहाँ अप्लाई करें पैच टेस्ट करें या फिर अपने कान के पीछे करें, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें तो फेस पे कहीं लगाना ही नहीं है, हमें तो कान के पीछे भी नहीं लगाना, हमें तो वहाँ भी नहीं चाहिए कि हमें कोई नुकसान पहुँचे या कुछ है, तो आप यहाँ पर पैच टेस्ट कर लें, अपने हाथ पे कर लें, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है एंड उसे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन लेकर आता है एंड हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए, तो हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो शेयर ज़रूर करिए उन सब के साथ जिसको इस वीडियो की नीड है एंड जिसको नहीं भी है तो उसको भी शेयर करें, बिकॉज आज के टाइम पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हर कोई स्किन केयर तो करता ही है, हर कोई प्रोडक्ट्स तो यूज़ करता ही है, तो उनको ये बेसिक नॉलेज होती है, हर किसी को पता होनी चाहिए होती है, जनरली पता तो नहीं होती है लेकिन इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है, पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूर उसे शेयर करें, मुझे लगता है आप एक शेयर तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलूंगी मैं, बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय।